Hello everyone, I'm Himanshu, a certified master trainer and nutritionist. तो आज हम बात करेंगे वर्कआउट सेशन के बारे में। एक वर्कआउट सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर बीच में क्या होता है और लास्ट में क्या होता है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो वर्कआउट सेशन स्टार्ट होता है वार्म अप फेज। वार्म अप एक्चुअली होता क्या है? वार्म अप में हमें ये नहीं करना होता कि अपना हार्ट रेट एलिवेट करना है या फिर बॉडी टेम्परेचर रेज करना है, वो वार्म अप नहीं है। वार्म अप में हमें अपने हर एक जॉइंट को लुब्रिकेट करना होता है, उसको मोबाइल करना होता है। वो हम कैसे करते हैं? हमारे कार्टिलेज के पास एक ग्लैंड होता है, साइनोवियल ग्लैंड, जिससे साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं। और अगर रिपीटेडली हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो ग्लैंड उस फ्लूइड को रिलीज करता है। ये मेनली जब हम जनरल ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल शोल्डर रोटेशन, चेस्ट फ्लाई, कोई भी ऐसी ड्रिल परफॉर्म करते हैं, उस टाइम ये फ्लूइड रिलीज होता है। और इस फ्लूइड का मेन काम ये है कि आपकी कार्टिलेज को डायरेक्टली रब ना करें। इन दोनों कार्टिलेज के बीच में ये फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ हो जाती है मूवमेंट। अगर ये फ्लूइड ना हो, आप वार्म अप ना करें, डायरेक्ट आए और डंबल से डंबल कर्ल करना स्टार्ट करें या बेंच प्रेस करना स्टार्ट करें, तो इससे ये होगा कि जो आपके जॉइंट्स है, डायरेक्ट जो कार्टिलेज है डायरेक्ट कनेक्ट होगी, रब होगी, उसकी वजह से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इंजरी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं उस टाइम। तो इसीलिए हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप कार्डियो कर रहे हो। आप कोई भी दिन हो, मंडे टू सैटरडे संडे, जब भी आप जिम जा रहे हो, कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हो, आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। आप आते ही अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो, आते ही हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हो, तो आपको इंजरी के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं उस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी वर्कआउट स्टार्ट करो तो कार्डियो से स्टार्ट ना करें, ट्रेडमिल से स्टार्ट ना करें, साइकिलिंग से स्टार्ट ना करें, आप ड्रिल्स परफॉर्म करें। और अगर आप चाहते हो उन ड्रिल्स को लेके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो फिर वार्म अप के बाद हम आते हैं मेन फेज पे। मेन फेज में क्या होता है, वो हमारा एक्चुअल जो मेन वर्कआउट है वो मेन फेज के अंदर आता है। उस मेन फेज में जैसे आज आपका चेस्ट डे है, आप चेस्ट कर रहे हो, तो बेंच प्रेस करोगे, डंबल प्रेस करोगे, फ्लाई करोगे, वो सारी एक्सरसाइज आपके मेन फेज में आती है। और इसकी ड्यूरेशन होती है, वार्म अप फेज की ड्यूरेशन होती है 10 to 15 minutes, मेन फेज की ड्यूरेशन होती है 40 to 45 minutes, 50 minutes, एंड देन आता है कूलिंग फेज, कूल डाउन फेज। कूल डाउन फेज में आप अपने हार्ट रेट को जो एलिवेट हुआ है उसको नॉर्मल करते हो, आप स्ट्रेचिंग करते हो, जितना भी लैक्टिक एसिड आपकी मसल बैली के अराउंड प्रेजेंट है, जो मसल बैली के अराउंड लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है, आप उसको वहाँ से हटाते हो, वो आपका कूलिंग फेज में आता है, कूल डाउन फेज में आता है। वो भी आपका 10 से 15 मिनट 20 मिनट का फेज होता है। तो एक ग्राफ देखते हैं, एक वर्कआउट सेशन कैसे डिजाइन करते हैं। स्टार्ट होता है वार्म अप फेज से, ये 10 टू 15 मिनट्स वार्म अप फेज। उसके बाद आता है मेन फेज, ये आता है आपका 40 टू 50 मिनट्स का आपका मेन फेज। देन कूल डाउन फेज, मेन फेज में अगर आपका कार्डियो है तो धीरे 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 स्लो करते जाओ, इंटेंसिटी गिराते जाओ, वो आपके आफ्टर कार्डियो है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, कूल डाउन में स्ट्रेचिंग करो उस टाइम। स्ट्रेचिंग आप कार्डियो सेशन के बाद भी कर सकते हो, बट
उस टाइम आपको हार्ट रेट जो एलिवेट हुआ है ड्यूरिंग कार्डियो उसको डाउन लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करो। बट ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हार्ट के ऊपर इतना लोड नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पे जो जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो सिर्फ उस टाइम हार्ट के ऊपर लोड आता है। जब आप अपना पीआर टच करने की ट्राई करते हो, अपने मैक्स टू मैक्स वेट उठाते हो, उस टाइम पे आपके हार्ट के ऊपर लोड आता है। बट कार्डियो के टाइम पे कंटिन्यूअसली आपके हार्ट एंड लंग्स के ऊपर लोड आता है। तो जब आप कार्डियो करते हो तो उसके बाद जो आपका कूल डाउन फेज है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम अपना हार्ट रेट भी नॉर्मल करना है और स्ट्रेचिंग भी करनी है, लैक्टिक एसिड जो भी बना है उसको हटाना है वहां से। बट आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका कूल डाउन फेज होगा, अगेन 15 टू 20 मिनट्स। ये होता है आपका एक कंप्लीट वर्कआउट सेशन, एक दिन में जो आपने वर्कआउट किया है। और जो मेन सेशन होता है वो 40 से 50 मिनट में मेनली हो जाता है अगर आप सिंगल पार्ट कर रहे हो। बट जैसे कि अगर आप डबल पार्ट कर रहे हो या फिर पुश पुल कर रहे हो तो ये एक्सीड भी कर सकता है टाइम। तो ये होता है एक प्रॉपर वर्कआउट सेशन, एक दिन आपने कितनी देर आपने वार्म अप में लगानी है, कितनी देर आपको मेन फेज में लगानी है, एक मेन वर्कआउट में लगानी है, और कितनी देर आपको कूल डाउन में करनी है। जिम्स में मेनली कूल डाउन फेज छोड़ दिया जाता है और वार्म अप के नाम पे कार्डियो करते हैं, कार्डियो नहीं करते। और अगर वार्म अप के बारे में आपको जानना है, ड्रिल्स के बारे में अगर जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ नया पता चला हो वीडियो में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगला कोई और भी टॉपिक किसी और बार और किसी चीज के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।